लुधियाना च पंजाब भाजपा के वाइस प्रधान जतिंदर मित्तल के उत्ते बीती रात कुछ नौजवानों वल्लों हमले की कोशिश की गई है। हालांकि उन्होंने जान नूं जिहड़ा खतरा दस्या जा रहा और बाल बाल इस घटना दौरान वह बचे ने। इत्थे भी दस दिए कि फैक्ट्री के मौजूद सी तां जिवें ही बाहर कुछ लोग लड़ रहे सी तां इस दौरान उन्होंने आके देखा कि घटना हुई है। तो इस दौरान कुछ नौजवानों के वल्लों उन्हों की फैक्ट्री के उत्ते हमला किया गया। असी उस जगह पर मौजूद हाँ और सब तो पहला तस्वीर दिखावे कि मौके पर पुलिस भी जी पहुंची है। तो इस तो अलावा गल करिए वाइस प्रधान जतिंदर मित्तल समेत जिला भाजपा के प्रधान रजनीश धीमान भी मौके पर मौजूद ने। तो इस फैक्ट्री के बाहर ये सारा जड़ा वाकया होया। हालांकि सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई है, पूरा मामला किसी गलबात करांगे। मित्तल साहब, पंजाब भाजपा के तुसी वाइस प्रधान हो और दूसरे पास कारोबारी भी हो, तुसी इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो, हमला होया क्या जा रहा है, की घटना की सी? मैं कल दुशहरिया तो बाद लास्ट द फोकल पॉइंट दुशहरा कमेटी के जो लंका दहन होया उस बाद एक मेरा रूटीन है शुरू तो बनया होया अज का नहीं कि मेरिया इतने तीन फैक्ट्रिया ने नाल नाल तो मेरा रूटीन है बनया होया कि मैं जाते हुए एक गेड़ा करके घर गेड़ा करके जाना। तो मैं कल उस रूटीन नाल ही जो दुशहरे तो बाद 9 बजे गड्डी खड़ी की इतने 12-14 लोग खड़े सके तो मैं अंदर चला अंदर गया तो जमुना प्रसाद जिहड़ा मेरा फोरमैन भी है और मैनेजर भी है वह अंदर ही रहिंदा वै तो असी गल करन लगे तो 3-4 मिनट बाद ही आवाज़ा आन लग गई पथराव हो गया तो गेटा तो पथराव होने लग गया जी। दोनों बाहर आए तो उन्होंने कहा भी तुम पथराव कर रहे हो। जो मैं उन्होंने भी तुम पथराव जो मैं गुस्से उन्होंने हल किया भी तुम पथराव कर रहे हो, इन्ना मैं कह दी दे रही थी कि पथराव जो मेरे गेट पर हो रहा है मेरे वाल पथराव होने लग गया, नाल ही मेरे जमुना प्रसाद से होने लग गया और मैं इस गलते हैरान हो गया। तो मैनू एक सैकेंड सोचने नहीं लग्या, मैं जमुना और मैं धक्का मार गया सी आ छोटा गेट तुहानू नज़र आ रहा वै इदां ही सीगा सेम गेट छोटा गेट असी अंदर जाके मैं नाल ही कुंडा ला लिया भी 13-14 लोग ने उन्होंने हथ पत्थर ने भी किसी ना किसी मिसहैपनिंग हो जाएगी। मैं अंदर गया, अंदर जाके मैं इमीडिएट जिहड़ा मेरा अपना सीगा कि मैं पहला SHO नूं टैलीफोन किया, SHO ने टैलीफोन नहीं चुकिया, मैं एक किया दो किया उन्होंने SHO ने कोई टैलीफोन नहीं चुकिया। मैं फिर मुंशी नूं टैलीफोन किया, 112 ते कंप्लेन लिखाई और मुंशी नूं टैलीफोन किया तो मुंशी ने टैलीफोन चुकिया तो 10 मिनट नहीं आया तो मुंशी नूं मैं दोबारा किया मुंशी जी तुसी भेज दिओ कोई बंदा मर जूगा तो मुंशी जी ने नाल ही बंदे अपने भेजे तो उत्थे बंदा इत्थे 10-12 बंदे मतलब भज गए जो उन्होंने हूटर लगता क्योंकि जो हूटर बजता आता तो नाल दी नाल बंदे भज गए, एक बंदा जिहड़ा इमीडिएट गिरफ्तार उन्होंने कर लिया। मैं फिर अद्धा क घंटा पौना घंटा सी अंदर बैठे रहे तो मेरे 2-3 दोस्त होर आ गए तो मैं जो गल करते मैं चलो मैं सी ऑफ कर दिना वा तो उतों साढ़े पत्रकार भी ने भरा भी ने राजीव शर्मा जी और क्योंकि फैमिली रिलेशन ने सारे सारी उम्र हो गई कट्ठे विक्की जी जो दैनिक सवेरा तो ने असी सारे चुप आराम नाल बैठे सीगे अभी बाहर आ गए। जो मैं सी ऑफ करन आया वा तो नाल ही एक बंदा जिहड़ा वै जिहड़ा कि ट्रक के पिछे CCTV कैमरे से भी रिकॉर्ड है वो एक पासे टैलीफोन कर रहा तो दूजे पासे दात फड़ी इंतजार कर रहा सीगा, बाहर आते उन्हें दात जी है सिर पर जो दात मारन लगा तो मेरा दोस्त का जोड़ा बेटा वै वो कद च थोड़ा लंबा वै रोबिन तो उन्हें एकदम देखे वह भी पिछों ही पिछे खड़ा सगा तो वो जरा जो मार रहा भी पिछे ही एकदम पिछों भज के आया तो उन्हें एकदम वो बाहवा फट के तो बाहवा मरोड़िया तो बाहवा फट के तो पहला दात जी है खोई खो के जी है तो उस तो बाद उन्होंने मुंडिया ने मतलब दोनों मेरे दोस्तों के भतीजे ने तो जमुना प्रसाद के मुंडे ने उन्होंने बाँह फड़ ली। बाँह फड़न तो बाद लफ्ज़ जोड़े कह रहा वै जे शब्द कह रहा वै जो बाँह फड़ ली वो सब कुछ कर लिया तो कहता तुम साढ़े अंदर बंदे कराए कहता मैं तो अपने घर दस के आया वा परिवार को दस के आया वा इतने आने लगे कि मैं दो बंदे मारन जा रहा वहाँ तो मेरी पुलिस के इन्नी क अप्रोच है कि मैं एक मिनट लिए भी मैनू कोई भी रोक नहीं सकता और मैनू कोई भी जरा वा उ MLA भी मेरे ने बंदे कौन है जी पता लगे की रंजिश की है मैं पता ही नहीं मैं बंदे ही नहीं पता जो सामने भी आ जाए मैं शायद जो बंदा कल कांड करके गया मैं वो भी ना पहचान पावा क्योंकि रात का वक्त सगा और मैं हैरान इस गलते भी बंदे फड़े रहे और CCTV कैमरे के क्लीयर आ रहा है भी वो बंदा जोड़ा वै दात फट के सज्जी हाथ दात फड़ी हुई है खब्बे हाथ और नाल वो टैलीफोन कर रहा किसी और इंतजार कर रहा साढ़े आम हूँ पुलिस ने किदा की कार्रवाई की है किन्ने बंदे हिरासत उस तो बाद शब्द जोड़ा कह रहा वै कि जो जे मन लो एक परसन मैं जेल भी हो गई तो मैं आके दो बंद मारना ही है फिर उस तो बाद मदर ने भी सेम शब्द कहे और उस वेले 8-10 बंदे मौजूद सके जे जगजीत शर्मा जी मिंटू
जो साढ़े दैनिक जागरण तो पत्रकार भरा भी साढ़े मौजूद से सारे मतलब सारे पत्रकार भरा भी मौजूद से जो चार पांच से दोस्त भी मौजूद उन्होंने मौजूदगियों के भी उन्होंने ये शब्दों का इस्तेमाल जो किया जी हैरान रह गए भी एक इन्नी शायब है उन्होंने भी पुलिस लै गई उसके बावजूद मैं एस एच ओ नूं टैलीफोन करता रहा बट एस एच ओ ने कोई नहीं खोली और मैं मैनू फिर दोस्तों ने कहा तू सी पी सर क्यों नहीं करता टैलीफोन तो मैं सी पी सर टैलीफोन किया 11:10 से उन्होंने मेरे बैल जान तो समझो उन्होंने बैल नहीं वजी उन्होंने नाल ही रिवर्ट बैक किया जतिंदर इस वेले यानी कि मैं समझदा वहाँ कि जोड़ा मतलब सी पी चहल जी ने उन्होंने मतलब जे एस एच ओ टैलीफोन नहीं मगर सी पी सर ने तो एक सैकेंड से टैलीफोन किया उन्होंने कार्रवाई शुरू करती उन्होंने कहने के बावजूद 17 घंटे बाद एस एच ओ मेरे को इतने आया वै साढ़े को 150-200 इतने बंदा इकट्ठा हो गया सवेरे मैं पता लग गया जो तो 17 घंटे बाद एस एच ओ साहब आ रहे हैं तो पता लग रहा जी एस एच ओ साहब कह रहे हैं किसी को भी मैं मेला देखने गया हुआ सी भी मेला 9:30-9:30 तक कि मेला चलता वै तो कि मेले देख गए थे और मैं महसूस कर रहा वहाँ भी जोड़ा ये एस एच ओ है ये प्री प्लैन एस एच ओ लग्या वै किसी ना किसी की शह से लग्या वै जिन्हें कि सी पी सर की भी परवाह नहीं की कहते बावजूद 17 घंटे बाद मेरे को इतने आ रहा वै तो ऐसे एस एच ओ मैं पुरानी गल करके गल खत्म कराँगा सुखचैन सिंह जी गिल एस एस पी सी और इतने इदा एक एस एच ओ आया से फोकल पॉइंट के जिन्हें पूरे लुधियाने पूरी फैक्ट्रिया पूरी साड़ी इंडस्ट्री अग लगवा दी सी और ईशर कलोनी दुर्गा कलोनी सारी फैक्ट्रिया अग लगवा दी सी इदा के एस एच ओ कंप्यूटर से बिठाओ बेनती करके पब्लिक डीलिंग के काबिल लाओ महसूस की कर रहे हो मित्तल साहब वाइस प्रधान हो तुम पंजाब के मैं महसूस ये कर रहा भी लॉ एंड ऑर्डर स्थिति के कितना ना कि कई अफसर के हाथ बन्ने होंगे ने जे सी पी सर के कहने के बावजूद 17 घंटे एस एच ओ आ रहे हैं तो कितना ना कि एस एच ओ खतरा जानू खतरा वो आ भी कही आ रहे हैं सारे के बच्चे कही आ रहे भी मैं मारना खतरे वाले तो मैं गल ही नहीं कर रहा और सारे एरिए एक गल है भी जो जतेंद्र मित्तल वर्गे जो रोज़ मेरे रोज़ लोग पब्लिक रोज़ डीलिंग आती है वो कहें जे जतेंद्र मित्तल इन्नी गल शरेआम बंदा कह रहा है तो बाकी जी पब्लिक जी हैगी है वह कितने होएगी असं तो आप अपने आप महसूस कर रहे हैं कि इस पंजाब कैसा माहौल चल पाया कि जेडे मतलब कई जे अच्छे अफसर ने दलेर अफसर ने उन्होंने जड़िया वै चाबियां अपने हाथ रखिया हुई उन्होंने काम नहीं करता जा रहा सो साफ तौर पर सवाल वड्डे खड़े हो रहे हैं सो पत्थरों का भी जिक्र किया कि पत्थरबाजी की गई है इस तो इलावा गल करिए उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने जान तो मारन दियाँ धमकियां दित्तियां गई ने हालांकि सीसीटीवी कैमरों के वीडियो जी है वो कैद हुई है तो इस लैके जरूर जिक्र किया जा रहा है कि उन्होंने जान को खतरा है तो मौजूदा लुधियाना जिले के प्रधान भी पहुँचे ने तो मान साहब की लगता वाइस प्रधान तो पंजाब दे वो कितना कितने महसूस कर रहे मैं सुरक्षित नहीं कले यही नहीं महसूस कर रहे पूरी पंजाब की जनता इस गल महसूस कर रही है क्योंकि अज कोई भी बंदा इस गल सुरक्षित नहीं घरों निकलता भी शाम को मैं सही सलामत घर पहुँचूंगा लॉ एंड आर्डर की बड़ी माड़ी पोजिशन पंजाब बनती जा रही है किसी नहीं पता कदों कि हमला हो जाना एक प्रोमीनेंट आदमी के उत्ते जिस ढंग का हमला होंगे तो आम जनता किथे खड़ी आ यह सवाल खड़ा होंगे हुण की अगली रणनीति की है कह रहे कि पुलिस कमिश्नर ने काफ़ी सहयोग किया कितना कितने हुण सुरक्षा नूं लैके सवाल खड़े कर रहे हैं देखो बेशक सानू कमिश्नर साहब या प्रशासन ने सहयोग उस वेले किया लेकिन मौके दे उत्ते जिहड़ा उस वेले जिहड़ा हालात सीगे वो बड़े ऐसे बन गए कि डर का माहौल बन गया उहदे खिलाफ़ असी कंप्लेंट दित्ती आ ये हालात पैदा कौन करते हैं कौन बंदे ने कित्थों आते हैं यार उन्होंने बचांदा कौन आ कौन उन्होंने शेल्टर दिंदा ये बड़ा बड़ा सवालिया निशाना इदा के हथियार लैके बंदे जो शरेआम घूमते हैं वो हथियार ने यह उदा दिन दातों ने जोड़े आम लुटखोह करते हैं इसे बंद तो जो पुलिस सही कार्रवाई करेगी अपनी तो यह जे बंद तो होर बहुत कुछ निकलने वाला जो तो पता लगेगा भी इन्होंने होर कि वारदात सामने की है को बंदे क्या जा रहे थे कुछ लड़ भी रहे कुछ यहोजा भी हाँ को मौके पर सगा इतने फैक्ट्री के बहर लेकिन उन्होंने इट्टा बट्टे सीधे सीधे फैक्ट्री से मारे फैक्ट्री से मारे तो उन्होंने जो रोकया तो उन्होंने सीधा इन्होंने उत्ते अटैक करता तो इन्होंने भज के अपनी जान बचाई है उस वेले भी अपना गेट बंद करके एक टैरन का माहौल क्रिएट हो गया
सो साफ तौर पर जिला प्रधान रजनीश धीमान भी कितना कितने सुरक्षा नूं लैके सवाल खड़े कर रहे हैं, पर दूसरे पासे गल करिए मौके पर पुलिस भी मौजूद है। हालांकि पुलिस वालों कार्रवाई की गल कही जा रही है, पर यह कहा जा सकता है कि पंजाब के वाइस प्रधान ने जतेंद्र मित्तल जे जोड़े फैक्ट्री के अंदर मौजूद सके और जो उन्होंने बाहर रौला पैंता देखा तो बाहर आए, उन्होंने रोकने के यतन किए, पर उन्होंने उत्ते हमला करने की जी नीयत है उन्होंने नौजवानों वालों की गई पत्थरबाजी की गई, तो इस चलद उन्होंने अपना बचाव किया। पर हूँ सवाल खड़ा होता है कि पुलिस इस मामले के की कार्रवाई करती है, पर कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति को हिरासत के लिया है, पर उसके वालों भी जड़िया धमकिया वो दिखाई जा रही ने। लुधियाना तो रजिंदर अरोड़ा न्यूज़ 18।